हाय गाइस, तो गाइस आप सभी लोग वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो में। और गाइस आज हम दोबारा से बनाने वाले हैं रेड फार्म। काफ़ी लोगों के गाइस रेड फार्म वर्क नहीं कर रहा था जो मैंने बताया था, लेकिन गाइस देखो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक तुम कर रहे हो, तो मैं उसको गाइस दोबारा बताने वाला हूँ कैसे उसको वर्क कराना है ईजी तरीके से। तो गाइस सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म ले लेना है, और याद रखना गाइस आप एक प्लेजर आउटपोस्ट के पास इस फार्म को बनाना, वरना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको स्कैफोल्डिंग ले लेनी है, उसको गाइस 19 आपको स्कैफोल्डिंग ऊपर की तरफ लगा दी जानी, तो फटाफट से मैं लगा देता हूँ। ओके 19 पूरे 90 ब्लॉक ऊपर आने के बाद अब देखो आपको लीव का ब्लॉक लेना है, लीव्स जो होती है। उसके बाद गाइस आपको लीव्स देखो यहाँ कहाँ लगानी है, एक गाइस आपको लीव इधर लगानी है, उसके बाद गाइस दो लीव्स कुछ ऐसे इधर लगानी है, एक इधर पे और जस्ट गाइस एक आपको इधर पे भी लगा देनी है, एक सेकेंड। ओ गाइस एक इधर पे और गाइस दो इधर लगा देनी है, एक इधर और सेम एक इधर। ओके गाइस इतना होने के बाद एक लीव इधर, अब इसको गाइस पूरा एक लेयर और आगे बढ़ा करके कुछ ऐसे लगा देनी है। अब गाइस आपको दो लीव का कुछ ऐसे आगे चार लीव लगानी है, एक दो और इसके जस्ट दो और लगानी है ऐसे। और गाइस इतना होने के बाद गाइस दो ब्लॉक आपको लीव्स के वहाँ लगाने, इतना होने के बाद गाइस आपको लेनी है चेस्ट। चेस्ट लेने के बाद गाइस देखो चेस्ट आपने ले ली, और इधर पर आकर के आपको कुछ चेस्ट इस तरह से लगानी है, ठीक है। चार चेस्ट मतलब डबल चेस्ट कुछ ऐसे लगाने के बाद इनके ऊपर लगा देना कनेक्ट में दोनों चेस्ट के, और गाइस चेस्ट जो मतलब कि चेस्ट होती है उससे ही कनेक्ट में लगाना होपर्स को, ठीक है। ओके गाइस इतना होने के बाद अब यहाँ से आपको एक ब्लॉक इधर, इसके ऊपर आपको एक ब्लॉक लगाना है, ठीक है। अब इसको गाइस चारों तरफ से कर देना है कवर कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब चारों तरफ से एक वॉल टाइप बना देनी है, जहाँ से आप गाइस यहाँ पे हमारा बनेगा एक किलिंग सिस्टम। मतलब किलिंग सिस्टम नहीं बनाना इजीली है गाइस, आपको एक्सपी भी चाहिए इस फार्म से, तो स्टेयर्स कुछ ऐसे लगाने के बाद हाँ आपको एक्सपी वगैरह चाहिए, तो गाइस देखो यहाँ पे आपको खुद से मारना पड़ेगा, वरना आपको ट्राइडेंट वाला वो बनाना पड़ेगा, लेकिन गाइस उसमें काफ़ी दिक्कत है, उसमें मटेरियल भी काफ़ी चाहिए। अरे हाथ से मारोगे तो गाइस एक शॉट में मरने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। इतना होने के बाद अरे एक सेकेंड, यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगाने, इधर पे गाइस आपको स्लैब लगाने हैं कुछ, यहाँ पर आपको दो स्लैब कुछ ऐसे लगा देने हैं। ओके गाइस इतना होने के बाद गाइस अब देखो इतना गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है काम, ठीक है। अब इसके ऊपर गाइस आपको ऊपर आ के यहाँ से आप किलिंग वगैरह कर सकते हो, इसके ऊपर आ जाओ। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ से गाइस आपको इधर से 17 ब्लॉक ऊपर जाना है, ठीक है। 17 ब्लॉक फटाफट से ऊपर जाए, 3 4 अरे एक सेकेंड, फटाफट से ऊपर चलते हैं 17 ब्लॉक। ओके पूरा इसको 17 ब्लॉक ऐसे करने के बाद अब देखो यहाँ से आपको 6 ब्लॉक आगे आने हैं, ठीक है। यहाँ से 1 2 1 2 3 4 5 और 6, ओके इधर से 6 आ गए, और सेम गाइस आपको इधर से भी 6 आना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके गाइस इतना होने के बाद अब दोनों को कनेक्ट कर देना है, और गाइस ये 10x10 का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब हमको एक सेकेंड ये अलग लग गया। यहाँ से गाइस हमारा हो गया 10x10 का एक प्लेटफॉर्म कंप्लीट, और गाइस इसको फिल करते हैं फटाफट। और गाइस इतना होने के बाद देखो गाइस यहाँ से आपको 6 की एक वॉल बनानी है, 6 ब्लॉक की पूरी, अब गाइस इसको कवर कर देना है चारों तरफ से वॉल से 6 के ब्लॉक से, ठीक है। ओके गाइस इतना काम होने के बाद गाइस ऑलमोस्ट हमारा गाइस सारा काम हो चुका है, बस हमको अब इसमें किलिंग सिस्टम बनाना है, जहाँ से ऑटोमेटिक हमारे थोड़ा डैमेज हो सकते हैं। यहाँ से आपको गाइस 4 साइन बोर्ड कुछ ऐसे लगाने हैं, 2 इधर और 2 इसके आगे लगाने हैं। और गाइस अब आपको एक ब्लॉक छोड़ करके देखो ये वाला, या यहाँ से देखो यहाँ से ये वाला ब्लॉक छोड़ करके इसके ऊपर आपको 3 साइन बोर्ड लगाने हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे आपको 3 साइन बोर्ड लगा देने हैं ऐसे, ठीक है। अब जस्ट इसके बगल में आपको 2 साइन बोर्ड लगाने हैं ऐसे। अब गाइस इसके एक ऊपर इधर साइन बोर्ड लगेगा, और एक जस्ट इसके ऊपर इधर साइन बोर्ड लगेगा। इतना होने के बाद आपको टेम्परेरी ब्लॉक लगाने हैं कुछ गाइस ऐसे, इसके ऊपर मतलब चढ़ने के लिए। गाइस आपको दोबारा से साइन बोर्ड लेना, साइन बोर्ड गाइस इसके ऊपर की तरफ लगाना है साइन बोर्ड के, ठीक है ऐसे। ये कहाँ लग गया, एक सेकंड, ये कहाँ लग गया और ये लग गया, इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसके ऊपर लगाना है, ठीक है कुछ ऐसे, ठीक है। इतना होने के बाद गाइस आपको लेना है लावा बकेट, और लावा बकेट को कर देना इधर प्लेस। अब इसको गाइस तोड़ देना, टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देना। उसके बाद गाइस इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इधर की तरफ आना, पीछे की तरफ आकर के 5 ब्लॉक आपको कुछ ऐसे लगाने हैं, उसके बाद आपको 4 ब्लॉक लगाने हैं। अरे यार हाँ यहाँ पे 4, यहाँ पे आपको लगाने हैं 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब इसके ऊपर आपको डालना है वाटर बकेट,
कुछ यहाँ पर, और गाइस देखो ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब गाइस देखो इतना काम होने के बाद हमको लीव लेनी है, लीव्स को गाइस इसके ऊपर की तरफ लगाना। अब गाइस लीव्स ये काम करेगी जो हमारे जितने भी गाइस स्पॉन होने वाले हैं रेड पड़ने के बाद जो मॉब्स स्पॉन होते हैं वो इनके मतलब वॉल के ऊपर स्पॉन नहीं होंगे, लीव्स लगाने से। अगर आप लीव्स लगाना चाहो तो लीव्स लगा देना, स्लैप लगाना चाहो तो स्लैप लगा देना। अगर मेरी मानो गाइस लीव्स सबसे बेटर है तो लीव्स ज़्यादा मतलब सही भी लगेगी और उससे थोड़ा स्पॉन होने के बाद बिल्कुल चांस है, मतलब बिल्कुल चांस नहीं, स्पॉन बिल्कुल नहीं होंगे लीव्स से। तो स्लैप से देखो थोड़ा बहुत धोखाधड़ी खा सकते हो। गाइस देखो आपको किधर की तरफ भी आ जाना है, ठीक है। अब मैं इधर की तरफ से बनाता हूँ। गाइस देखो यहाँ से आपको जस्ट इधर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे गाइस आपको एक ब्लॉक लगाना है इधर पे। आपको गाइस यहाँ पे आपको दो ब्लॉक लगा के इस वाले को हटा करके यहाँ पे गाइस आपको एक बैड प्लेस करना है ब्लेजर का, ठीक है। इधर पे आपको करना है एक बैड प्लेस, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको करना है कि उसका जो उसका मतलब जो भी वो काम करने वाला है फ्लिंचिंग टेबल, जो भी आप जॉब देना चाहते हो उस ब्लेजर को वो करना है। उसके बाद यहाँ से आपको गाइस एक लीव लगाते चले जानी है। गाइस देखो उसको पूरा लीव्स का बनाना, मतलब जहाँ पर आपने बेड और फ्लिंचिंग टेबल लगाई है उधर ही बस आप स्टोन वगैरह का यूज़ करना। इतना होने के बाद अब यहाँ पे आपको ब्लेजर लाना है। ब्लेजर गाइस आपको पता है कैसे लाना है, बस उस पर बोट में बैठा और रस्सी बांधो और आपने स्कार्फ फोल्डिंग लगाई है, बस इस पर गाइस आपको यहाँ से लीव्स करके लेस कर करके इसको ऊपर लेके आना है, बस और कुछ नहीं करना। बस आपको वहाँ जाके गाइस काफ़ी इजी है, आराम से लाओगे तो इजी हो जाएगा। बस एक यही जो हार्ड काम है, देखो ब्लेजर ले जाना ही सबसे हार्ड काम है इसमें, बट ये गाइस इजी अगर हो जाएगा काफ़ी। और गाइस मैं यहाँ तक इसको लेके आ चुका हूँ, बस इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इधर से लेके चलते हैं। और गाइस याद रखना ये अनलीस ना हो जाए गलती से। ये देखो मैंने बोला था, बहुत बढ़िया गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लेके आया नया। हाँ मैं तो क्रिएटिव में मैं तो कितने भी निकाल सकता हूँ, पर तुम थोड़ा ध्यान रखना गाइस देखो अगर तुम दूर से ला रहे हो तो ब्लेजर को। ओके गाइस यहाँ से इसको करते हैं एक ब्लॉक ऊपर, कुछ ऐसे आपको लेके आ जाना है इधर। गाइस देखो मैं आपको एक एक बता रहा हूँ कि आपको कैसे लेके आना है, ठीक है, जैसे आपको प्रॉब्लम भी ना हो लाने करने में। तो यहाँ से गाइस एक ब्लॉक इधर के लेवल लेके चलते हैं थोड़ा आगे। और गाइस इतना होने के बाद गाइस जब आपको लग जाएगी नीचे वाले ब्लॉक पर बोट बैठ चुकी है तो आप आ जाना यहाँ पर। गाइस देखो इसको अनलेस कर करके अब देखो बोट को मत हटाना, ठीक है, जब तक आप थोड़ा यहाँ से लीव्स जो होती है लीव्स यहाँ से इसका गाइस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा कर लेना, जिससे गाइस यहाँ पे इसका गिरने का खतरा हट जाए। देखो ठीक है, इतना होने के बाद इसको धक्का देना, बस धक्का देते जाना और इसके अंदर आते बस इसको कर देना कवर। अबे जाना भाई थोड़ा अंदर जा, अंदर चल। ओके गाइस यहाँ से पूरा इसको लेके जाना है अंदर, अब इसको कर देना पूरा बंद और ये एक्स्ट्रा जितनी भी लीव है इनको सबको हटा देना है। अब गाइस थोड़ा सा वेट करना है शाम होने का, रात होने का थोड़ा सा वेट करना है जब तक गाइस हमारा ब्लेजर है जो सो ना जाए, क्योंकि गाइस ये सोएगा जब ही हमारा आधा काम हो पाएगा। और गाइस जैसे ही शाम हो जाए तो इसके ऊपर गाइस आपको लीव से ढक देना है, बंद कर देना है। और गाइस इसके चारों तरफ और एक लेयर और लीव्स वगैरह की बना देना, जिससे गाइस हमारा ब्लेजर बाहर भी ना निकले और इसके ऊपर कोई रेड मतलब रेड वगैरह ब्लेजर जो भी होते हैं रेड वाले वो इसके ऊपर स्पॉन ना हो जाए, इतना याद रखना। और गाइस यहाँ से पूरे इसको करते हैं कंप्लीट। और गाइस अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस गाइस यहाँ पे पड़वानी हमको रेड, प्यार से प्यारी से रेड करवाते हैं। तो चलते हैं फटाफट से रेड करवाने, और रेड करवाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। हाँ आपको प्लेजर पोस्ट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको पता है किसको मारना है, हेड को मारना है। अब मैं बताता हूँ कौन सा हेड होता है कहाँ पर गया, पहले तो मुझे ये देखने दो। एक तो मैंने चंक नहीं बढ़ा रहा कि ओके ये रहा। गाइस देखो यहाँ पर आना है जिसके सर पे आपको ये दिख जाए ना ये इंसान, इसको बस आपको ठोक के चल देना इधर से, इसको ठोक के बस आपको आपके सीधा गाइस फार्म पे जाना, आपके जहाँ पर भी आपने विलेजर का घर बना रखा है वहाँ मत जाना, आपको फार्म पे जाना है सीधा। जैसे आपको ये पोशन वगैरह ये मिल जाए आपको फटाफट से यहाँ पे आना, फार्म पे आते गाइस आपका रेड शुरू हो जाएगी। यहाँ पे गाइस आपको वेट करना है रेड शुरू होने का, आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। सब पहले सर्वाइवल में आ जाते हैं, फटाफट सर्वाइवल में आ चुका हूँ, अब देखना गाइस यहाँ से क्या ओपी तरीके से मतलब आने वाले रेड। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, चलो गाइस शुरू। ये बजा साइरन, अब हमारे यहाँ से गाइस ये आ गए। देखो अब गाइस एक शॉट, गाइस बस एक शॉट, अगर आप यहाँ नॉर्मल शॉट भी है तो गाइस एक शॉट में गाइस जाने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। गाइस देखो एक रेड हमारी ख़त्म भी हो चुकी है, काफ़ी सारा सामान भी मिल गया। देखो काफ़ी सारा इस वाले में भी देखो आयरन पैंट वगैरह सोड वगैरह काफ़ी सारी मिल गई, इंचेंटमेंट की तलवार वगैरह।
गाइस रेड दूसरी भी शुरू होने वाली है। गाइस फटाफट से सारी रेड खत्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितना सामान आने वाला है क्या है। गाइस देखो मैं फार्म जो भी होता है गाइस देखो विलेज का हीरो बन चुका हूँ। आकर लगा यहाँ पर कोई विलेज नहीं है, बट फिर भी गाइस एक विलेजर से हम विलेज का हीरो बन चुका हूँ। काफ़ी सारा गाइस सामान आ चुका है, ये देखो मटेरियल वगैरह, और टोटम और फंडाइन से मिल चुका है एक टाइम हमारा जीवित होने का सहारा। तो गाइस ये आपको काफ़ी सारे मिल सकते हैं, बार बार रेड करवाते रहना। और अगर आपको फार्म अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, 50 लाइक कर देना।